वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 10 चैप्टर, इसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने द्वि अपवर्तन क्या है इसके बारे में देखे थे हम लोगों ने। चलिए आज हम लोग देखते हैं असाधारण गुण किरण के कुछ गुण को देखते हैं, ठीक है। असाधारण गुण के कुछ गुण को हम लोग देखते हैं वास्तव में किस तरीके से होती है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, क्लियर। चलिए इसमें पहला है, देखिए असाधारण किरण के गुण के बेस में हम लोग फर्स्ट चीज़ जो देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट चीज़ क्या है, ये किरण स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। ये जो किरण होती है वो स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। जो स्नेल का नियम होता है आप लोगों का, स्नेल का नियम μ = sin i / sin r होता है। तो इस बीच में हम लोग देखते हैं कि असाधारण किरण के गुण किस तरीके से होते हैं। ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है, ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा चीज़ देखते हैं कि क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती। देखिए ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा चीज़ देखते हैं क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। दूसरा चीज़ हम लोग ये चीज़ देखते हैं, यहाँ से देखिए दूसरा चीज़ ये देखते हैं कि क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है। तो असाधारण किरण के गुण के रूप में हम लोग फर्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है। क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग में हम लोग ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है, और दूसरा चीज़ में ये देखते हैं कि क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है, इसकी चाल भिन्न होती है, क्लियर। तो असाधारण किरण के गुण के रूप में देखते हैं, ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। तीसरा कंटेंट में देखते हैं भाई, तीसरा कंटेंट में किस तरीके से आता है। तो दूसरा, पहला में ये देखें कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा में ये देखें कि ये क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है। तीसरा कंटेंट में हम लोग देखते हैं भाई, तीसरा कंटेंट में क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के जो अपवर्तनांक होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। तो तीसरा में देखते हैं भाई इस को, भिन्न 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 दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के जो अपवर्तनांक होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। थर्ड चीज़ में हम लोग ये देखें, तो फर्स्ट चीज़ में हम लोग ये देखें कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। पहला चीज़ हम लोग क्या देखें कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। पहला हम लोग क्या देखें कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा में, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है। तीसरा देखते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। और चौथा चीज़ में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, चौथा इसके कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं, ठीक है।
इस चीज को देखते हैं। तो इसके तल आपतन तल के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो पहला में असाधारण किरण के गुण के रूप में हम लोग ये चीज को देखें कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। तीसरा, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा, इसके कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर में क्या होता है, इसके कंपन आपतन तल के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो चौथा चीज में हम लोग ये चीज देखते हैं भाई, देखिए इसके कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं। इसके कंपन देखिए, इसके कंपन अपतन तल के क्या होती है, समांतर होती है। अपतन तल के क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो असाधारण किरण के गुण के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। तीसरा, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। इसके कंपन अपतन तल के समांतर होते हैं। और हम लोग यहाँ पर यह चीज देखते हैं कि दोनों किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। दोनों किरणें परस्पर क्या होती है, लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती है, क्लियर। तो दोनों किरणें यहां से देखते हैं, दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल क्या होती है, ध्रुवित होती है। दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती है। किसी भी विधि द्वारा दोनों में से एक किरण को पृथक कर दिया जाता है। किसी भी विधि द्वारा हम दोनों में से एक किरण को पृथक कर देते हैं, जो कि इसकी विधियां हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे हैं। तो किसी भी विधि द्वारा यहां पर देखिए, किसी भी विधि द्वारा दोनों में से एक किरण को पृथक कर दिया जाता है। दोनों में से एक किरण को किसमें किया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, जिससे निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जिससे निर्गत प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जिससे कि जो निर्गत प्रकाश होता है क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो पहला, असाधारण किरण के गुण के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये किरणें सेल के नियम का पालन नहीं करती है। ये किरणें सेल के नियम के पालन नहीं करती। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है। तीसरा, देखते हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा, हम देखते हैं कि इसके कंपन आपतन तल के क्या होती है, समांतर होती है। और यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती है। जिसको किसी भी विधि द्वारा दोनों में से एक किरण को जिसको किसी भी द्वारा दोनों में से किसी एक किरण को पृथक कर दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। जिससे निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जिससे निर्गत प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो पहला, हम लोग ये चीज देखते हैं असाधारण किरण के साथ, ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है। दूसरा, क्या देखते हैं, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है। तीसरा, हम लोग ये चीज देखते हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के भिन्न भिन्न होता है। चौथा में हम लोग ये चीज देखते हैं कि इसके कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं। पांचवा में हम लोग ये चीज को देखते हैं कि दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती है। किसी भी विधि द्वारा दोनों में से एक किरण को पृथक कर दिया जाता है, जिससे निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो असाधारण किरण के गुण के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये किरणें सेल के नियम का पालन नहीं करती है। क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। तीसरा, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा, इसके कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं। पांचवा में दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं। किसी भी विधि द्वारा दोनों में से एक किरण को पृथक कर दिया जाता है, जिससे निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो ये था असाधारण किरण के गुण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पूछा जाता है कि असाधारण किरण के गुण क्या है। कोई दो बिंदु में लिखी है, कोई तीन बिंदु में लिखी है, कोई चार बिंदु में लिखी है। तो दो बिंदु में बोलेगा तो आप इनमें से किसी दो बिंदु को लिख सकते हो। तीन बिंदु बोलेगा तो इनमें से किसी भी तीन को लिख सकते हो, चार को भी लिख सकते हो। तो ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है, पहला। दूसरा, क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में इसकी चाल भिन्न होती है। तीसरा, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक भिन्न होते हैं। चौथा, इसके कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं। पांचवा, दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती है। ये किसी भी विधि द्वारा दोनों में से एक किरण को पृथक कर दिया जाता है, जिससे निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। आगे देखते हैं, इसकी कार्यविधि को देखते हैं। जब साधारण प्रकाश पोलेराइट पर देखिए इसकी कार्यविधि के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए, जब साधारण प्रकाश पोलेराइट पर आपतित होता है। किस पर आपतित होता है, पोलेराइट पर आपतित होता है। तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल पाते हैं। तो जब साधारण प्रकाश पोलेराइट पर आपतित होता है तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल पाते हैं, जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के क्या होते हैं समांतर होते हैं। तो जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है, कोई भी साधारण प्रकाश है जो पोलेराइड पर आपतित हो रहा है ना, जब साधारण प्रकाश पोलेराइट पर क्या हो रहा है भाई, पोलेराइट पर आपतित हो रहा है।
पोलेराइट पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइट में से, तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर, तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर, वैद्युत वेक्टर, तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल करके, किस में से निकल करके, पोलेराइड, पोलेराइड में से निकल पाते हैं, किस में से निकल पाते हैं, पोलेराइड में से निकल पाते हैं, जिनके कंपन क्रिस्टल, जिनके कंपन क्रिस्टल, जिनके कंपन क्रिस्टल के अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ये अक्ष के क्या होते हैं भाई, अक्ष के समांतर होते हैं, ये अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार पोलेराइड से, इस प्रकार पोलेराइड से, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार पोलेराइड से, इस प्रकार हम लोग ये चीज़ देखते हैं, इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश, पोलेराइड से निर्गत प्रकाश, पोलेराइड से निर्गत प्रकाश, पोलेराइड से निर्गत प्रकाश, निर्गत प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, तो पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, समतल, समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, ये क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो कार्यविधि के बेस से हम लोग ये चीज देखते हैं कि जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो यहाँ से आप लोगों को किसकी कार्यविधि को पूछा जाता है, तो कार्यविधि के बेस पे आप लोग क्या बताएंगे कि जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है, जब साधारण प्रकाश किस पर आपतित होता है भाई, पोलेराइड पर, तो जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, क्या होता है भाई, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ये किस तरीके से होता है भाई, तो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, क्लियर। तो कार्यविधि के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है, जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं इस चीज को, देखिए, जब साधारण प्रकाश पोलेराइट पर क्या होता है, आपतित होता है, तो उसे उसके वे ही वैद्युत वेक्टर, वैद्युत वेक्टर पोलेराइट में से निकाल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइट से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में होता है। अब यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन में यह आता है कि पोलेराइट का उपयोग, यूज ऑफ पोलेराइट्स, पोलेराइट के क्या उपयोग होते हैं, पोलेराइट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, पोलेराइट का उपयोग आएगा, तो पोलेराइट के उपयोग के लिए आप लोग किस तरीके से इसको यूज करेंगे, तो इस चीज को देखते हैं भाई। देखिए, तो पहला, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में, तो पहला होता है पोलेराइट का उपयोग हम लोग यूज करते हैं, तो पहला प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में होता है। पहला क्या होता है, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में होता है, किसके रूप में, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में होता है। इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि धूप के चश्मे में, जैसे ही समर का टाइम आता है, धूप बहुत, तापमान ज्यादा पड़ता है, तो वहां पर जो चश्मे का यूज किया जाता है, जो चश्मे में जो लेंस बना रहता है भाई, उसमें इस पोलेराइट का उपयोग किया जाता है, ताकि आपको जो धूप का जो ताप है वो आपके आंख में ना पाए, जिससे आंख को आपकी परेशानी ना हो, जिससे आप सुविधापूर्वक अपना जो भी बाइक है, जो भी चला सकते हैं, जो भी अपना, जो भी टू व्हीलर है, जो भी फोर व्हीलर है, उसको आप लोग सहायतापूर्वक चला सकते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए, टू व्हीलर के लिए जब भी हम लोग चलाते हैं, तो इसके लिए धूप के चश्मे के रूप में हम लोग इस पोलेराइट का उपयोग करते हैं। प्रकाश की चकाचौंध अचानक से आ जाता है, तो प्रकाश की चकाचौंध जैसे नाइट में भी होता है, तो उस टाइम में भी आप लोग को चकाचौंध लगता है, तो उसके लिए हम इस पोलेराइट के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसी चीज के लिए बोल रहा है कि पोलेराइट का उपयोग फर्स्ट कंटेंट के रूप में, कि प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में, फर्स्ट क्या है, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में। इसके लिए धूप के चश्मे में, इसके लिए यहाँ से देखिए, धूप के चश्मे में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त होता है। इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है। लेंस क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश, वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश, यहाँ से देखिए, वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होता है। आंशिक समतल क्या होता है, ध्रुवित होता है, यहाँ से देखिए, आंशिक समतल क्या होता है, ध्रुवित होता है। तो पोलेराइट का उपयोग के रूप में हम लोग ये चीज यूज करते हैं कि प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में। इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है, और वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होता है। क्या होता है, आंशिक समतल ध्रुवित होता है, ये क्या होता है भाई, आंशिक समतल क्या होता है, ध्रुवित होता है। पोलेराइड आंशिक ध्रुवित प्रकाश के
36 कंपनों को देखिए, तो पोलेराइट का उपयोग कर बेस हम लोग ये चीज करते हैं कि प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में, इसके लिए धूप के चश्मे में, यहाँ पर देखिए, इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है। वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होता है, जिससे पोलेराइट आंशिक ध्रुवित प्रकाश के 36 कंपनों को क्या किया जाता है, कार देता है। 36 कंपनों को क्या कर देता है भाई, कार देता है। 36 कंपनों को क्या कर देता है, कार देता है। क्लियर? तो फलस्वरूप चकाचौंध समाप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप आप लोगों के जो चकाचौंध है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप ये जो चकाचौंध है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो इसके फलस्वरूप जो आप लोगों की चकाचौंध होती है भाई, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में हम लोग ये चीज देखते हैं कि इसके लिए धूप के चश्मे में, इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है। वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होता है। इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें से वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होता है। पोलेराइट आंशिक ध्रुवित प्रकाश के, यहां पर देखिए, पोलेराइट आंशिक ध्रुवित प्रकाश के 36 कंपनों को काट देता है। 36 कंपनों को क्या कर देता है, काट देता है। फलस्वरूप चकाचौंध समाप्त हो जाती है। तो पोलेराइट के उपयोग के बेस में हम लोग प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में किया जाता है। इसके लिए धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है और वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित होता है। तो पोलेराइड आंशिक ध्रुवित प्रकाश के 36 कंपनों को काट देता है, जिसके फलस्वरूप चकाचौंध समाप्त हो जाता है। चकाचौंध आप लोगों की समाप्त हो जाता है। तो कार्यविधि के बेस पे हम लोग ये चीज देखें कि जब साधारण प्रकाश पोलेराइड प्राप्तित होता है, तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन न क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। पोलेराइट के उपयोग के बेस में हम लोग ये देखते हैं, पहला क्या होता है, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में। तो इसके लिए हम लोग ये चीज देखते हैं, धूप के चश्मे में पोलेराइट का बना लेंस प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरा क्या किया जाता है, वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, जिसके बेस पे पोलेराइट आंशिक ध्रुवित प्रकाश के 36 कंपनों को काट देता है, जिसके फलस्वरूप चकाचौंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जिसके अंतर्गत चकाचौंध क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो कार्यविधि के बेस से हम लोग ये, जब साधारण प्रकाश पोलेराइट प्राप्तित होता है तो उसके वे ही वैद्युत वेक्टर पोलेराइट के रूप में देखें, और इसका उपयोग पहला क्या देखें, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में देखें। तो पहला प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में है। आगे देखते हैं भाई, दूसरा, रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में मोटर कार या ट्रकों के विंड स्क्रीन या हेडलाइट के कवर ग्लास में, जो हमारे बाइक वगैरह के रहते हैं उसमें के जो इंडिकेटर रहते हैं, स्क्रीन जो हेडलाइट रहते हैं ना, उसके कवर के ग्लास में भी पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नाइट के टाइम में इसमें का जो ग्लास या विंड स्क्रीन रहता है वो एक दूसरे को परावर्तित नहीं कर पाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में मोटर या ट्रकों के जो विंड स्क्रीन रहती है, विंड स्क्रीन तथा हेडलाइट के कवर ग्लास के रूप में पोलेराइट के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, उसको पोलेराइट के बनाए जाते हैं। पोलेराइट के अक्ष ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं। इस कारण से जो भी आप इंडिकेटर जैसे ही जलाते हैं या आप लोग अपर डिपर को करते हैं, हम जब भी बाइक चलाते हैं तो उसके बेस पे वो 45 डिग्री का एंगल मूवमेंट करता है, ताकि अपर डिपर करते हैं तो सामने वाला से जो बाइक चालक आ रहा है भाई, उसको आपका जो अपर, अगर वो डिप किया है तो आप अपर करेंगे तो वहां पर दोनों एक दूसरे को सुरक्षित पार कर सकते हैं, नहीं तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इस कारण से रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में मोटर कार या ट्रकों के विंड स्क्रीन तथा हेडलाइट के कवर ग्लास के रूप में पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। पोलेराइट के अक्ष ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जब पोलेराइट लगे दो वाहन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो वे एक विंड स्क्रीन तथा दूसरे के हेडलाइट के कवर ग्लास में लगे पोलेराइडों के अंश से एक दूसरे के लंब वाहनों की जाती है, अर्थात क्रॉसिंग हो जाती है, एक दूसरे से इस तरीके से क्रॉसिंग हो जाती है। देखना, जब भी आप साइड लाइट जलाकर, जब भी देखना हेडलाइट को जला करके देखना सामने वाले को, रात्रि के समय जब भी विचरण करेंगे तो वहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आती है। क्लियर? तो यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं, जब पोलेराइड में लगे दो वाहन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं
तो एक के विंड स्क्रीन और दूसरे के हेडलाइट के कवर ग्लास में लगे पोलेराइड की अंशें एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस कर जाती है, एक दूसरे को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। और यही एक दूसरे को क्रॉस जैसे ही करती जाती है, एक दूसरे को क्या करती जाती है, जैसे ही क्रॉस करती जाती है, फलस्वरूप एक वाहन के हेडलाइट से, फलस्वरूप एक वाहन के हेडलाइट से निकला प्रकाश, एक वाहन के हेडलाइट से निकला प्रकाश आपके दूसरे वाहन के विंड स्क्रीन से, दूसरे वाहन के विंड स्क्रीन से क्या होता है, कर जाता है, जिससे दूसरे वाहन के चालक को चकाचौंध नहीं लगती है। मतलब अचानक से प्रकाश का चकाचौंध नहीं आता, क्योंकि अचानक से प्रकाश का चकाचौंध आता है तो वहां पर जो चालक है वो घबरा जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अचानक से प्रकाश का जो चकाचौंध है वो नहीं लगती है उस चालक को, और वह चालक आराम से आगे की तरफ बढ़ जाता है दूसरे साइड से। ठीक है, तो चलिए, जब पोलेराइड लगे दो वाहन एक दूसरे के आमने सामने से आते हैं, तो एक के विंड स्क्रीन और दूसरे के हेडलाइट के कवर ग्लास में लगे पोलेराइडों के अंश एक दूसरे के लंब अणु की जाती है, अर्थात ग्रासित हो जाती है, फलस्वरूप एक वाहन के हेडलाइट से निकला प्रकाश दूसरे वाहन के विंड स्क्रीन से कट जाता है, जिससे दूसरे वाहन के चालक को चकाचौंध नहीं लगती है। इस प्रकार दोनों चालक अपने अपने वाहन सुरक्षित पार कर लेते हैं, इस प्रकार दोनों चालक अपने अपने वाहन को सुरक्षित पार कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोलेराइड का उपयोग हमारे विंड स्क्रीन में हेडलाइट के रूप में भी इस पोलेराइड का उपयोग किया जाता है, लाइट के बेस में किया जाता है। तो सेकेंड में हम लोग ये देखें कि जब रात्रि के समय में आमने सामने के दो वाहन को सुरक्षित पार करने में मोटर कार या ट्रकों के विंड स्क्रीन तथा हेडलाइट के कवर ग्लास पोलेराइड के बनाए जाते हैं, तो पोलेराइड को अक्ष ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं। जब पोलेराइड लगे दो वाहन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो एक के विंड स्क्रीन और दूसरे के हेडलाइट के कवर ग्लास में लगे पोलेराइडों की अंशें एक दूसरे के लंब वाहनों की जाती है, अर्थात ग्रासित हो जाती है, फलस्वरूप एक वाहन के हेडलाइट से निकला प्रकाश दूसरे वाहन के विंड स्क्रीन से कट जाता है, जिससे दूसरे वाहन के चालक को चकाचौंध नहीं लगते। इस प्रकार दोनों चालक अपने अपने वाहन को क्या कर लेते हैं, सुरक्षित रूप से पार कर लेते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं रहती है, 0%। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला है धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं, भौतिक अवस्था के अंतर्गत। ये तो हो गया हमारा दैनिक जीवन उपयोग होने वाली जो भी है। ठीक है, अब हम लोग इस कंटेंट में आते हैं कि धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में, धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में। देखिए थर्ड कंटेंट के बेस में हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए थर्ड कंटेंट में क्या होता है, धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में। जब साधारण प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, किसी धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, तो वह ध्रुवित हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है भाई, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहां पर देखिए ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो थर्ड कंटेंट के बेस हम लोग यह चीज देख रहे हैं कि धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में जब साधारण प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह ध्रुवित हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो यहां से हम लोग इस कंटेंट के बारे में यहां से बता सकते हैं कि धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में जब साधारण प्रकाश किसी धातु की सतह पर होता है तो वह ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। और जब पोलेराइड को विश्लेषक की भांति प्रयुक्त करके ध्रुवण की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, किसकी मात्रा ज्ञात की जा सकती है, ध्रुवण की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार धातुओं के प्रकाशीय गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में जब साधारण प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो वह ध्रुवित हो जाती है, ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। पोलेराइड को विश्लेषक की भांति प्रयुक्त करके ध्रुवण की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो थर्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं भाई, थर्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में जब साधारण प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो वह ध्रुवित हो जाती है, ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, और पोलेराइड के विश्लेषक की भांति प्रयुक्त करके ध्रुवण की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थर्ड कंटेंट के बेस पे है। अब फोर्थ कंटेंट के बेस पे देखते हैं, डिक्टेशन के बेस पे देखते हैं। ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में इसका उपयोग किया जाता है भाई। तो ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है इस चीज को देखते हैं। कोई प्रकाश समतल ध्रुवित है, यहां पर देखिए कोई प्रकाश समतल ध्रुवित है अथवा आंशिक ध्रुवित है, मतलब कम रूप से है, आंशिक ध्रुवित है। ठीक है, कोई प्रकाश समतल ध्रुवित है अथवा क्या है, आंशिक ध्रुवित है अथवा
अध्रुवित है अथवा क्या है, अध्रुवित है। तो इसका पता पोलेराइट की सहायता से, तो इसका पता पोलेराइट की सहायता से लगाया जा सकता है, तो इसकी पता पोलेराइट की सहायता से लगाया जा सकता है। जबकि अध्रुवित प्रकाश प्रकाश को, जबकि अध्रुवित प्रकाश प्रकाश को पोलेराइड में से, जबकि अध्रुवित प्रकाश प्रकाश को पोलेराइड में से जब देखते हैं, तो यदि पोलेराइड को घुमाने पर प्रकाश की चाल, अगर पोलेराइड को घुमाने पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह प्रकाश अध्रुवित हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसके तीव्रता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, तो वह क्या हो जाएगा, प्रकाश अध्रुवित हो जाएगा। तो इसी को बोला जा रहा है कि यदि पोलेराइड को घुमाने पर तीव्रता में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वह प्रकाश अध्रुवित हो जाता है, तो वह प्रकाश क्या हो जाता है, अध्रुवित हो जाता है। तो थर्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में जब साधारण प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की मात्रा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। पोलेराइड को विश्लेषक की भांति प्रयुक्त करके ध्रुवण की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के संसूचन के रूप में कोई प्रकाश समतल ध्रुवित है अथवा आंशिक ध्रुवित है अथवा उस पर अध्रुवित है, तो इसका पता करने के लिए हम पोलेराइड की सहायता से इसका पता लगा सकते हैं। क्योंकि अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से जब देखते हैं, तो यदि पोलेराइड को घुमाने पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वह प्रकाश क्या हो जाता है, अध्रुवित हो जाता है। क्लियर। तो बी नंबर में आंशिक ध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश, तो दोनों के कंटेंट के बीच पे अगर हम इस चीज को देखते हैं, बी और इसके नंबर पे, सी नंबर के बेस पे हम लोग इस दोनों कंटेंट को देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आंशिक ध्रुवित प्रकाश के बेस पे देखते हैं हम इस चीज को, किसके बेस पे देखते हैं, आंशिक ध्रुवित प्रकाश के बेस पे देखते हैं, आंशिक ध्रुवित प्रकाश के बेस पे अगर इस चीज को देखते हैं, जो यहां से इसका चकाचौंध दूर करने में किस तरीके से होता है, हेडलाइट के बेस पे इस चीज को देखते हैं, जैसे कि ये आप लोगों का हेडलाइट होता है, इस तरीके से होता है, यहां पर इस तरीके से है, ठीक है, यहां से हेडलाइट आ गया है, इस तरीके से सामने का जो हेडलाइट होता है भाई आप लोगों का, इस तरीके से यहां से सामने का जो हेडलाइट है वो इस तरीके से है आप लोगों के पास, जो इसकी प्रकाश की चकाचौंध को इस तरीके से करती है, जिसमें यहां से 45 डिग्री मूवमेंट करती है, यहां से 45, ये आप लोगों का चालक फर्स्ट है, चालक फर्स्ट का है ये आप लोगों का, ये चालक वन का है, ये आप लोगों का चालक टू का है, ठीक है, यहां से 45 डिग्री के बेस पे इसका ये हेडलाइट है भाई, ये इसका हेडलाइट के माध्यम से। तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं कि यदि पोलेराइट को आंशिक ध्रुवित प्रकाश के बेस पे अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं यहां से इस कंटेंट को, तो यदि पोलेराइट को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो, अगर प्रकाश की तीव्रता में क्या हो, परिवर्तन हो, किंतु तीव्रता कभी कभी शून्य ना हो, किंतु कभी कभी इसकी जो तीव्रता होती है वो अगर शून्य नहीं होती है, तो वह प्रकाश आंशिक ध्रुवित हो जाती है, तो वह प्रकाश क्या हो जाती है, आंशिक क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। तो सेकंड कंटेंट में आंशिक ध्रुवित प्रकाश के बेस पर अगर इस चीज को हम लोग देखें, तो यदि पोलेराइट को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो, किंतु तीव्रता क्या होती है, कभी कभी शून्य ना हो, तो वह प्रकाश आंशिक रूप से क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। और सी नंबर के बेस पे हम लोग ये चीज को देख रहे हैं, ये तो बी के कंटेंट के बेस पे हो गया भाई, सी नंबर के बेस पे अगर इस चीज को देखते हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस पे देखते हैं। इसको पहले भी वीडियो लेक्चर में और हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इस चीज को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बाकी इस कंटेंट में इसका उपयोग होता है, इस कारण से यहां पर भी इस चीज को दिया गया। यदि पोलेराइट को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो, क्लियर, यदि पोलेराइट को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में क्या हो, परिवर्तन हो, एवं एक पूरे चक्कर में तीव्रता दो बार अधिकतम हो, एवं एक चक्कर में तीव्रता दो बार अधिकतम हो तथा दो बार शून्य हो, तो वह क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। क्लियर। तो बी नंबर के बेस पे हम लोग ये चीज को देखें कि आंशिक ध्रुवित प्रकाश, यदि पोलेराइट को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो, किंतु तीव्रता कभी कभी शून्य ना हो, तो वह प्रकाश आंशिक ध्रुवित हो जाता है। और सी नंबर के बेस पे हम लोग ये चीज देखें कि समतल ध्रुवित प्रकाश, यदि पोलेराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो, एवं एक दूसरे पूरे चक्कर की तीव्रता में दो बार से अधिकतम हो जाती है, तो वह दो बार में क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जिसके कारण से वह क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है। तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश के बेस पे आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। और पांचवा नंबर में देखिए, पोलेराइड कैमरा और फोटोग्राफिक में इसके लिए कैमरे के अभिदृश्यक लेंस के सामने पोलेराइड लगा देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पांचवा इसका उपयोग देखिए, पोलेराइट कैमरा और फोटोग्राफी में इसके लिए कैमरे के अभिदृश्यक लेंस के सामने, अभिदृश्यक लेंस के सामने पोलेराइट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पोलेराइट लगा देते हैं जिससे वस्तु से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश, जिससे वस्तु से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश पोलेराइट से बिना कटे कैमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। कैमरे के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है, किंतु पृष्ठभूमि से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश को जब पोलेराइट रोक देता है, क्या कर देता है? जब पोलेराइट रोक देता है जिससे वस्तु अधिक प्रकाशित होती है तथा पृष्ठभूमि अधिक काली दिखाई देती है। फलस्वरूप फोटो का जो विपर्यास होता है, जो कंट्रेस्ट होता है, वह क्या होता है? उत्तम क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो यह पांचवा नंबर के बेस में था भाई कि जब पोलेराइट कैमरा और फोटोग्राफिक में इसके लिए कैमरे के अभिदृश्यक लेंस के सामने हम पोलेराइट लगा देते हैं तो वस्तुओं से जो परावर्तित ध्रुवित प्रकाश होता है वह पोलेराइट से बिना कटे क्या हो जाती है? कैमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। किंतु पृष्ठभूमि से जब परावर्तित ध्रुवित प्रकाश को हम पोलेराइट के लिए रोक देते हैं जिससे कि वस्तु का अधिक जो प्रकाशित होता है वह पृष्ठभूमि पर अधिक रूप में क्या हो जाती है? काली दिखाई देने लगती है। फलस्वरूप जो फोटो का विपर्यास होता है वह उत्तम क्वालिटी का होता है। छठवां नंबर में तीन बीमा वाले चित्रों को देखने में जो थ्री डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, तो जो भी थ्री डायमेंशनल रहता है उन चित्रों को देखने में किसका उपयोग किया जाता है? पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर सिक्स नंबर में क्या हो जाएगा? थ्री डायमेंशनल के बेस पे हो जाएगा। जैसे कि पांचवा नंबर में हम लोगों ने क्या देखा कि पोलेराइट कैमरा और फोटोग्राफिक में इसके लिए कैमरे के अभिदृश्यक लेंस के सामने पोलेराइट लगा होता है, वस्तु से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश पोलेराइट से बिना कटे कैमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, किंतु पृष्ठभूमि से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइट रोक देता है जिससे वस्तु अधिक प्रकाशित हो जाती है, जिससे वस्तु क्या होती है? अधिक प्रकाशित होती है तथा पृष्ठभूमि अधिक काली दिखाई देती है। पृष्ठभूमि अधिक क्या देती है? काली दिखाई देती है। फलस्वरूप फोटो का विपर्यास उत्तम क्वालिटी का होता है। यहाँ से जो कंट्रेस्ट होता है ना उसका, जो आप लोगों का जो कैमरे के बेस पे दिख रहता है आप लोगों का, इसको अगर बढ़ाते हैं या कम करते हैं उसके बेस पे यहाँ से आप लोगों को पोलेराइट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो पोलेराइट कैमरा और फोटोग्राफी में इसके लिए कैमरे के अभिदृश्यक लेंस के सामने पोलेराइट लगा देते हैं, वस्तु से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश पोलेराइट से बिना कटे कैमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, किंतु पृष्ठभूमि से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइट रोक देता है जिससे वस्तु क्या होती है? अधिक प्रकाशित तथा पृष्ठभूमि अधिक काली दिखाई देती है। फलस्वरूप फोटो का विपर्यास उत्तम होता है। फलस्वरूप फोटो का जो विपर्यास होता है क्या होता है? उत्तम होता है। सिक्स नंबर के बेस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि तीन बीमा वाले चित्रों को देखने में थ्री डायमेंशनल, ठीक है, यहां से देखिए थ्री डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, वायु वाहन और ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में, जो यहाँ से इसका उपयोग किस में होता है? वायु और ट्रेन में। देखिए वायु और ट्रेनों में, वायुयान जो रहते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी रहते हैं, और ट्रेन जो रहते हैं, वायुयान और ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में, उसके प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो पांचवा में पोलेराइट कैमरा और फोटोग्राफिक में इसके लिए कैमरे के अभिदृश्यक लेंस के सामने पोलेराइट लगा देते हैं, वस्तु से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश पोलेराइट से बिना कटे कैमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, किंतु पृष्ठभूमि से परावर्तित ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइट रोक देता है जिससे वस्तु अधिक प्रकाशित तथा पृष्ठभूमि अधिक काली दिखाई देती है। फलस्वरूप फोटो का भी प्रयास उत्तम क्वालिटी का होता है, जिससे कि तीन बीमा वाले चित्रों को देखने में हम भी इसके पोलेराइट को उपयोग करते हैं। वायुयान और ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में इस पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग भाई अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर देखते हैं। अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर को देखते हैं भाई। अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में किस तरीके से अंतर है, इस चीज को हम लोग वन बाय वन करके इस कंटेंट को आगे देखते हैं भाई। देखिए तो अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। देखिए अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से हम इस चीज को देखते हैं। देखिए पहला कंटेंट के बेस पे यहाँ पर आप लोगों का अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से है। देखिए अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से क्रमांक के बेस पे हम लोग पहला चीज को देखते हैं। अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से पहला क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल के प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित होते हैं। समान रूप से अथवा क्या होते हैं? सममित होते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग, अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल के प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं? समान रूप से अथवा सममित होते हैं। और दूसरा इस चीज को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। इस चीज को हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग, समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग
संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं, केवल किस में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं भाई, तो ये केवल एक ही दिशा में होता है, इस चीज को देखिए। तो अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से हम लोग ये चीज को देखते हैं कि अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग, अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल के, संचरण की दिशा में लंबवत तल के प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित होती है, समान रूप से होती है अथवा क्या होती है, सममित होती है। दूसरा, समतल ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से हम लोग ये चीज को देखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं, केवल एक ही दिशा में होते हैं भाई, इसमें इस चीज को याद रखिएगा, ये केवल एक ही दिशा में होते हैं, अलग अलग दिशा में किसी भी प्रकार से नहीं होते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल में प्रत्येक दिशा के समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से हम लोग इस चीज को देख रहे थे कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के जो कंपन तरंग होती है भाई, वह संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होती है, जबकि इसके लंबवत दिशा में प्रत्येक दिशा में होती है, किसमें, अध्रुवित प्रकाश में। अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से हम लोग सेकेंड चीज को देखते हैं, सेकेंड कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। यदि अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाता है भाई, यदि अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाता है तथा पोलेराइड को प्रकाश की किरणों के परिता घुमाया जाता है, तथा पोलेराइड के प्रकाश को किरणों के परिता घुमाया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता विशेष स्थितियों में, तो यहाँ पर जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो विशेष स्थितियों में अधिकतम होती है, हाईएस्ट होती है, और विशेष स्थितियों में क्या होती है, न्यूनतम होती है, मतलब एक क्षण में न्यूनतम, एक क्षण में अधिकतम, एक में अपर, एक में डिपर, ठीक है, अप और डाउन के बेस में होता है, ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ट के बेस पे, अधिकतम और न्यूनतम के बेस पे, ठीक है, चलिए उच्च सीमा निम्न सीमा के बेस पे होती है। तो यदि अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाता है, यहाँ से देखिए, अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाता है तथा पोलेराइड को प्रकाश किरणों के परिता घुमाया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता विशेष स्थितियों में अधिकतम और विशेष स्थितियों में क्या होती है, न्यूनतम होती है। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस में देखते हैं, अगर इसी चीज को हम लोग यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में देखते हैं, तो यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाता है, यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाता है, तो उसके पोलेराइड को प्रकाश किरणों से तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी चीज को बोल रहा है, यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाता है, तो पोलेराइड को प्रकाश किरणों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता है। अब इसका थर्ड कंटेंट को देखते हैं, अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से क्या होता है भाई, यदि साधारण प्रकाश स्रोत जैसे कि सूर्य, बल्ब आदि से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है, मतलब साधारण तौर पे हम लोगों के पास जो सूर्य के द्वारा प्रकाश आता है और जो बल्ब होता है भाई, बल्ब के माध्यम से जो बल्ब जल रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग, इसके माध्यम से जो हमको प्रकाश प्राप्त होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है, जबकि पोलेराइड से गुजरने के बाद प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। लेकिन कोई भी किससे गुजरता है, पोलेराइड से गुजरता है, तो पोलेराइड से गुजरने के बाद जो प्राप्त प्रकाश होता है भाई, वह समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, वह समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर के बेस में हम लोगों ने यह देखा कि अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से सममित होते हैं, समान रूप से सममित होते हैं भाई, इस तरीके से समान रूप से सममित होता है। ये फर्स्ट कंटेंट, अगर जीरो का है तो ये भी जीरो का रहेगा, टू का रहेगा तो टू का, थ्री का तो थ्री का, एक दूसरे के सममित, जो कि मैथमेटिक्स में आप लोग सिमेट्री के बेस पे, सममिति के बेस पे इस चीज को आप लोग पढ़े हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से इस चीज को देखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होती है। यदि अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाए तथा पोलेराइड को प्रकाश किरणों के परिता घुमाया जाए, तो प्रकाश की तीव्रता विशेष स्थितियों में अधिकतम और विशेष स्थितियों में क्या होती है, न्यूनतम होती है। और यदि इसी को समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड में से गुजारा जाए, तो पोलेराइड को प्रकाश किरणों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी निर्गत परिवर्तन नहीं होती है भाई। इसी प्रकार हम लोग
अध्रुवित प्रकाश के लिए देखते हैं, इस चीज को अध्रुवित प्रकाश के लिए देखते हैं। साधारण प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य है, बल्ब है आदि से जो प्राप्त प्रकाश होता है वह अध्रुवित प्रकाश होता है, जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड से गुजरने के बाद जो हमको प्राप्त होती है प्रकाश, उसको हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं, वो होता है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये था हमारा आज का अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर। इसके आगे का कंटेंट को देखते हैं। चलिए, ये आगे का कंटेंट है मिलर्स का नियम। इसके बाद है मिलर्स का नियम क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। मिलर्स के नियम के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, मिलर्स के नियमानुसार क्या होता है इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए, तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। मिलर्स के नियम के अनुसार, मिलर्स का नियम, मिलर्स का नियम के बेस पे इस चीज को देखते हैं हम लोग यहां से। देखिए, ठीक है, जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश, जब एक पूर्ण, देखिए एक एक वर्ड में छिपा रहता है भाई सभी का राज, ठीक है। जब एक पूर्ण, जब एक पूर्ण, दूसरा समतल, तीसरा ध्रुवित, चौथा प्रकाश, पांचवा पुंज। ये देखिए, जब एक पूर्ण, यहाँ से देखिए, पूर्ण दिया है, समतल दिया है, और क्या दिया है भाई, ध्रुवित, ध्रुवित दिया है, और क्या दिया है, प्रकाश दिया है, और क्या दिया है, पुंज दिया है, इतना दिया है ना, पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज। जब एक पूर्ण समतल, जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषण प्राप्तित होता है, किसी विश्लेषण प्राप्तित होता है, तो विश्लेषण, ठीक है, किसी विश्लेषण पर आपतित होता है तो विश्लेषण निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान ध्रुवण और विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। कोज्या के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो मिलर्स का नियम के अनुसार हम लोग ये चीज देखते हैं कि जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश, जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश, जैसे कि समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस में वहां पर देख रहे थे हम लोग, समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस में कंपन तल देखे थे, ध्रुवण तल देखे थे, जिसमें कंपन तल ध्रुवण तल के किस तरीके से डिफरेंशिएबल रहता था, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न रहते थे। उसके बाद ब्रूस्टर के नियम के बेस में हम लोग इस चीज को देखे थे भाई, क्लियर। तो यहां मिलर्स क्या बोल रहा है, देखिए आप अलग से, जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर मिलर्स बोल रहा है, जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषण पर आपतित होता है, किसी विश्लेषण पर आपतित होता है, तो विश्लेषण निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान, निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान, और विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य, और विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य, विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के बराबर होती है, मतलब कोस थीटा, ज्या मतलब साइन थीटा, कोज्या मतलब कोस थीटा, इसको याद रखिएगा भाई, कोज्या मतलब होता है कोस थीटा। तो मिलर्स के नियम में अनुसार क्या होता है, जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषण पर आपतित होता है तो विश्लेषण निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान ध्रुवण और विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। तो मिलर्स के नियम अनुसार हम लोग ये चीज को देख लिए भाई कि जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषण पर आपतित होता है तो वह विश्लेषण निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता का ध्रुवण और विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है, क्लियर। तो मिलर्स के नियम के अनुसार से हम लोग इस चीज को देखें, ये मिलर्स का नियम आप लोगों का क्या होता है, ये चैप्टर का क्या होता है, लास्ट कंटेंट के बेस पे होता है। तो जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषण पर आपतित होता है तो विश्लेषण निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान ध्रुवण और विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। इतने में आप लोगों का ये चैप्टर क्या होता है, संपन्न होता है। तो इतने में आप लोगों का ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 आप लोगों के क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 10th कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 के साथ। तो ये जो चैप्टर है बूस्टर का नियम, पोलेराइड, मिलर्स का नियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप लोग देखिएगा, कोई भी डाउट होता है या सस्पेंस होता है या कंफ्यूजन होता है तो जब लाइव क्लास सेक्शन के पहले आप लोग उस क्वेश्चन का फोटो खींच के आप लोग सीजी शिक्षा कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई। किसी प्रकार का समस्या का समाधान हम आपको तुरंत ही करेंगे निराकरण के बेस पे। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।